काष्ठी संगमणि वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देव व्यदध पुरुत्रा भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार। वृहत्तर भारत। भारतवर्ष के पौराणिक ग्रंथों में हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीव उत्पत्ति के विषय में बताया गया है। इसके प्रमाण पश्चिम जगत को वैज्ञानिक निष्कर्ष में मिलते रहे हैं। कनाडा में मिले हजारों वर्ष पुराने जीवाश्म ने भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रमाणित किया है। नया घटनाक्रम कनाडा में मिले एक विचित्र बॉल से जुड़ा है। कुछ समय पहले यहां उत्तरी कनाडा में एक रहस्यमय बॉल मिली थी। पत्थर जैसी यह बॉल विचित्र इसलिए लग रही थी क्योंकि इस पर बाल के रेशे थे। वैज्ञानिक भी ऐसी बॉल को देख हैरान थे, लेकिन जब इस पर रिसर्च की गई तो चौंकाने वाली बात पता चली। जांच में पता चला कि यह बॉल एक ममी है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक 30,000 साल पुरानी गिलहरी थी। वैज्ञानिकों ने विस्तृत जांच के बाद खुलासा किया है कि यह हिम युग का एक जीव है जो 30,000 साल पहले धरती पर था। इस बॉल पर पंजे, फर और अंग थे। जांच में पता चला है कि यह एक गिलहरी की ममी है जिसकी मौत लगभग 30,000 साल पहले हाइबरनेशन के दौरान हो गई थी। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि यह एक आर्कटिक ग्राउंड गिलहरी है जिसका शरीर आपस में ही मुड़ गया है। शोधकर्ताओं ने ममीफाइड आर्कटिक ग्राउंड गिलहरी को हेस्टर नाम दिया है क्योंकि यह कनाडा के हेस्टर क्रीक के पास क्लोंडाइक गोल्ड फील्ड्स में डाउसन सिटी के करीब मिली थी। बता दें कि इससे पहले भी इस क्षेत्र में हजारों साल पहले के कई अच्छी तरह से संरक्षित जीवों के नमूनों का पता लगाया जा चुका है। वहां की सरकार ने गिलहरी के बारे में एक फेसबुक पोस्ट पर लिखा, यह सोचना आश्चर्यजनक है कि यह छोटा जानवर कई हजार साल पहले योकोन के आसपास दौड़ रहा था। मालूम हो कि क्लोंडाइक क्षेत्र हिमयुग के जीवाश्मों से भरे होने के लिए जाना जाता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि एक्सरे स्कैन से पता चला है कि गिलहरी का कंकाल बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित था, ठीक किसी जिंदा आर्कटिक ग्राउंड गिलहरी की तरह। अब इस ममी को कनाडा के व्हाइट हॉर्स में यूकोन बेरिंगिया इंटरप्रिटिव सेंटर में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। भारत उत्कर्ष। भारतवर्ष की प्राचीन स्थापत्य कला जितना उत्कृष्ट रही है उतना ही रहस्यमय भी है। भारतवर्ष में ऐसे अनेक मंदिर मिल जाएंगे जिनकी वास्तुकला आकर्षित करती है और निर्माण तकनीक चमत्कृत कर देती है। ऐसा ही एक मंदिर तमिलनाडु के तंजौर शहर में मौजूद बृहदेश्वर मंदिर भी है, जिसे पेरू वटयार कोविल भी कहते हैं। चोल साम्राज्य के द ग्रेट लिविंग टेम्पल्स में से एक बृहदेश्वर मंदिर को चोल शासक राजराज चोल प्रथम ने बनवाया था। इसे पेरिया कोविल, राजराजेश्वर मंदिर या राजराजेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का रहस्य समेटे हुए निर्माण तकनीकी का बेहतरीन उदाहरण है। राजराजेश्वर मंदिर का नाम बृहदेश्वर महादेव मराठा सेना ने तंजौर पर कब्जा करने के बाद किया था। बृहदेश्वर मंदिर भारत के सबसे विशाल मंदिरों में से एक है। यह 13 मंजिल ऊंचा मंदिर है
जिसकी ऊंचाई करीब 66 मीटर है। हर मंजिल एक आयताकार शेप में है, जिन्हें बीच में खोखला रखा गया है। देखने में यह मंदिर मिस्र के पिरामिड जैसे आकार का लगता है। बृहदेश्वर मंदिर की वास्तुकला न केवल विज्ञान और ज्यामिति के नियमों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, बल्कि इसकी संरचना कई रहस्य भी उत्पन्न करती है। 1003 से 1010 के बीच बने इस मंदिर के रहस्य करीब 1000 साल बीत जाने के बावजूद नहीं सुलझ पाए हैं। तंजौर के इस रहस्यमय मंदिर को करीब 130,000 वजन के ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया है। वैसे यह दुनिया का पहला और इकलौता ऐसा मंदिर है जो केवल ग्रेनाइट पत्थरों से बना था। हालांकि इस मंदिर के 50 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी ग्रेनाइट नहीं मिलता है। ऐसे में सवाल उठता है कि कहां से और किन साधनों से इतनी बड़ी मात्रा में और इतने विशाल आकार के ग्रेनाइट चट्टानों को मंदिर निर्माण स्थल तक लाया गया होगा, और बिना आधुनिक औजारों के विशाल चट्टानों को कैसे तराश कर महीन कलात्मक मूर्तियां बनाई गई होंगी। ऐसा माना जाता है कि 3000 हाथियों की मदद से ग्रेनाइट चट्टानों को यहां लाया गया था। इस मंदिर के निर्माण में ग्रेनाइट के चौकोर पत्थर के ब्लॉक्स को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार जमाया गया है कि वो आपस में फंसे रहें। इसे साधारण भाषा में पजल टेक्निक कहा गया है। मंदिर का मुख्य भाग लगभग 216 फुट ऊंचा है, यानी इतनी ऊंचाई तक पत्थर के ब्लॉक आपस में जमाए गए हैं। उस समय की तकनीकी का सबसे बड़ा कमाल यही है कि इन पत्थरों को आपस में जोड़े रखने के लिए आज की तकनीकी की तरह सीमेंट, चूने अथवा चिपकाने वाला पेस्ट लगाकर नहीं जोड़ा गया है, बल्कि सिर्फ पजल तकनीक से एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। हैरानी है कि सदियों बीत जाने के बाद भी ये पत्थर वैसे ही आपस में एक दूसरे पर रखे हुए मंदिर को मजबूती दे रहे हैं। बृहदेश्वर मंदिर की एक बड़ी खासियत इसका बिना नींव का बना होना है। यह भी आश्चर्यजनक है कि इतना विशाल, भव्य और मजबूत भवन बिना किसी नींव के कैसे तैयार किया गया, जो करीब 1000 साल से बिना किसी क्षति के स्थापित है। इस वास्तुशिल्प के दो रहस्य यानी बिना नींव और बिना जोड़ के निर्माण के अलावा तीसरा रहस्य और भी महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि इस मंदिर के गुंबद की कोई परछाई नहीं होती। यह गुंबद करीब 88 टन वजन का है, जिसके ऊपर करीब 12 फुट का स्वर्ण कलश रखा हुआ है। खास बात यह है कि ना तो सूरज की धूप में इस मंदिर के गुंबद का साया जमीन पर दिखाई देता है और ना ही चांद की रोशनी में इसकी परछाई दिखती है। केवल बिना गुंबद के मंदिर की ही परछाई देखने को मिलती है। इस गुंबद की भी खासियत है, यह भी एक ही पत्थर को तराशकर बनाया गया है। हैरानी होती है कि इतने वजनी पत्थर को इतनी ऊंचाई तक बिना क्रेन से पहुंचाना और ऐसे लगाना कि हजार साल बाद भी नहीं हिले, यह भी उस समय के तकनीकी कौशल का प्रमाण है। ऐसा माना जाता है कि 1.6 किलोमीटर लंबा एक रैंप बनाया गया था, जिस पर इंच दर इंच खिसकाते हुए इसे मंदिर के शिखर पर ले जाकर लगाया गया। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का शिवलिंग भी अद्भुत है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग 8.7 मीटर ऊंचा है, जिसके ऊपर छाया करने के लिए एक विशाल पंचमुखी नाग विराजमान है। इसके दोनों तरफ 6-6 फुट की दूरी पर मोटी दीवारें हैं। इसके अलावा मंदिर में गणेश, सूर्य, दुर्गा, हरिहर, भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। मंदिर में कार्तिकेय भगवान, मां पार्वती के मंदिर और नंदी की मूर्ति का निर्माण 16 से 17वीं सदी में नायक राजाओं ने करवाया था। मंदिर में श्री विमान के अलावा अर्ध मंडप, मुख मंडप, महामंडप और नदी मंडप है। बाहरी दीवार पर बनी बड़ी आकृति को विमान कहा जाता है, जबकि मुख्य विमान को दक्षिण मेरु कहते हैं। मंदिर परिसर में दो गोपुरम भी हैं। मंदिर के अंदर गोपुरम में स्थापित मंदिर की विशाल मूर्ति भी एक अनोखा आश्चर्य है। नंदी की यह मूर्ति 16 फीट लंबी, 8.5 फीट चौड़ी और 13 फीट ऊंची है, जिसका वजन 20,000 किलो है। खास बात यह है कि मूर्ति को एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है। यह भारत में नंदी की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है।
यह प्रतिमा मंदिर के साथ नहीं बनाई गई थी, बल्कि इसे 16वीं सदी में विजयनगर के शासकों ने बनवाया था। नंदी की प्रतिमा जिस मंडप में रखी है उसकी छत नीली और सुनहरे रंग की है। इसके सामने मौजूद इकलौते स्तंभ पर भगवान शिव और उनके वाहन को प्रणाम करते राजा का चित्र है। मंदिर के निर्माण के संबंध में भी कई कहानियां हैं। ऐसा माना जाता है कि राजराज चोल प्रथम श्रीलंका के दौरे पर थे, जब उन्हें सपने में इस मंदिर का निर्माण करने का आदेश मिला। इसके बाद उन्होंने मंदिर निर्माण शुरू किया। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि कांचीपुरम स्थित पल्लव राज सिम्हा मंदिर को देखकर राजराज चोल के मन में भगवान शिव के लिए एक विशालकाय मंदिर के निर्माण की इच्छा जागृत हुई। इसके बाद सम्राट ने सन 1004 में इस मंदिर की नींव रखी। मंदिर में उत्कीर्णित लेखों से यह प्रमाण मिलता है कि राजराज चोल ने अपने जीवन के 19वें साल सन 1004 में इस मंदिर का निर्माण शुरू करवाया और सम्राट के 25वें साल सन 1010 के 275वें दिन इस मंदिर का निर्माण समाप्त हुआ। आश्चर्य की बात है कि आज से हजारों साल पहले इतना विशाल मंदिर मात्र 5 से 6 सालों में बनकर तैयार हो गया था। 66 मीटर ऊंचा यह मंदिर करीब 240.90 मीटर लंबा और 122 मीटर चौड़ा है। इस मंदिर का कैंपस करीब 6 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें ताजमहल जैसी 200 बिल्डिंग बनाई जा सकती हैं। इस मंदिर में संस्कृत और तमिल भाषा में लिखे अक्षरों की नक्काशी वाले बेहद सुंदर शिलालेख हैं, जिनमें आभूषणों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इन शिलालेखों में 23 प्रकार के मोती के साथ ही लगभग 11 तरह के हीरे और माणिक की जानकारी दी गई है। इससे पता चलता है कि उस समय भारत का स्वर्ण विज्ञान किस कदर परिष्कृत था। बृहदेश्वर मंदिर में उत्कीर्ण लेखों के अनुसार मंदिर के मुख्य वास्तुविद कुंजर मल्लन राजराज पेरुंथचंद थे। मंदिर में अंकित लेखों से यह भी पता चलता है कि मंदिर में प्रतिदिन जलने वाले दियों के लिए घी की अबाधित पूर्ति के हेतु सम्राट राजराज ने मंदिर को 4000 गायें, 7000 बकरियां, 30 भैंसे व 2500 एकड़ जमीन दान की थी और मंदिर व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए 192 कर्मचारी रखे गए थे। शिव पार्वती की ऐसी मूर्ति जिसके आधे भाग में शिव और आधे में पार्वती उत्कीर्ण है, इस भारतीय प्रतीक का स्पष्ट वैज्ञानिक आधार है। सृष्टि के लिए समस्त जीवधारियों और वनस्पतियों में नर तत्व और नारी तत्व आवश्यक है, इसके बिना सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती। अर्धनारीश्वर के रूप में ही इसी चिरंतन सत्य को चित्रित किया गया है। भारत में अर्धनारीश्वर की अनेक आकर्षक मूर्तियां उपलब्ध हैं। इनमें एलोरा के कैलाश मंदिर में और मथुरा में प्राप्त मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।
विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार।